वेलकम टू टाइम्स। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल मैम, आप बताइए। मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। आई एम ग्रेटफुल टू कैम्स क्रिएशन फॉर दिस अवार्ड और बहुत खुशी है कि इस तरह का एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। पार्ट ऑफ दैट तो अब आप भी कर सकते हैं। नहीं, वो मैं लिख नहीं सकती। वो दैट क्रिएटिव जीनियस वाज हिज और इसी चीज़ के लिए हम उनको मिस करते हैं कि एक साफ सुथरा जो एंटरटेनमेंट था उसको लिखने वाले और सोचने वाले चले गए हैं। हम अपने तरीके से उनकी जो चीज़ें हमारे विरासत में हैं उन्हें आगे लेके जा रहे हैं, बट वी कैन नॉट डू व्हाट ही हैज़ डन। मैम, यू आर आल्सो सोशल एक्टिविटी, इतने सोशल वर्क्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतना कुछ मैनेज आप कैसे कर लेते हैं? अगर आपने फिल्म कोई देखनी हो, है ना, तो आप फटाफट घर के काम करके सब कुछ, बच्चे होमवर्क करके पहुंच ही जाते हैं ना। सो आई थिंक वंस वी वांट टू डू समथिंग वी फाइंड द टाइम फॉर इट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। शेयर योर व्यूज फॉर शॉर्ट फिल्म, जैसे शॉर्ट फिल्म्स को आज लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आज यहाँ पे चल भी रहा है, तो आपको कैसे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स को भी वैसे ही प्रमोशन मिलनी चाहिए जैसे हम लोग थिएटर्स में जाके बाकी मूवीज देखते हैं? बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि दैट यू कैन एड्रेस देम थ्रू शॉर्ट फिल्म्स। और आजकल इनफैक्ट आई थिंक दिस जनरेशन इज सो लकी कि आपको इतने प्लेटफॉर्म मिले हैं दैट यू डोंट नीड द मनी, यू डोंट नीड दैट टाइम एंड एफर्ट टू गो थ्रू अ एंटायर फीचर फिल्म। In fact, that is why we see so much of content on YouTube or social platforms पे कि हर कोई, अगर आपके पास idea है, you have a camera, लोगों ने तो in fact कई बार ही अपने phone के camera से films बनाई हुई हैं। So sky is the limit and why not? A film is a film, चाहे वो short हो, मेहनत, सोच, vision उसमें भी चाहिए। So I'm very very happy to see this happening here. बॉलीवुड मूवीज को आज आप किस उससे देखते हैं? जैसे मिस्टर जसपाल भट्टी थे तो बहुत कॉमेडी एक एटमॉस्फेयर रहता था मूवीज में भी और टीवी जो शोज आते थे उसमें भी, तो आज आपको कोई डिफरेंस फील होता है कि कॉमेडी का वो लेवल आज भी वैसे ही मेंटेन हो रहा है? देखिए, वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जो काम मिस्टर जसपाल भट्टी करते थे उनका अभी 6 साल हो गए हम फिजिकली वो हमारे साथ नहीं है, बट उनकी तरह कोई सोच नहीं सकता। सो इफ़ आई कीप कंपेयरिंग एवरी थिंग कि वो उनके हिसाब से वो नहीं पॉसिबल, बट इट्स वेरी गुड टू सी, बहुत इनकरेजिंग है कि पंजाबी सिनेमा में अब बहुत नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कंटेंट चेंज हो रहा है। जस्ट फ्रॉम दैट एक वो होता था ना कि एक गोरी नाल ब्याह कर लो या बाहर चले जाओ, आई थिंक वी नीड मोर कंटेंट कि आप क्यों नहीं हम इस पर बनाते कि हमारी जो लड़कियाँ हैं इनको बाहर से NRIs आके शादी करके छोड़ जाते हैं। Why not about these जो agents हैं, travel agents हैं, जो लोगों को लूटते हैं? There are so many problems we are dealing with. और ये कोई यहाँ पे कोई creativity की कमी नहीं है। हमारी films आप देखिए, पंजाबी films अब हिंदी films के caliber के हिसाब से बन रही हैं। So सिर्फ अफसोस इस बात का होता कि है कि जो content की ऊपर जो गहराई होनी चाहिए वो अभी भी थोड़ी सी missing है, but there are some filmmakers who are making a difference. लास्ट में हम चाहते हैं प्लीज़ आप पंजाबी से अपील कीजिए कि शॉर्ट मूवीज़ की तरह वो भी ऐसे ही अप्रीच, उनको वैसे ही प्यार मिले जैसे और मूवीज़ को वो लोग थिएटर्स में जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देते हैं। आई थिंक पंजाबियों को अपील करने की ज़रूरत नहीं है, पंजाबी तो वैसे ही दलेर होते हैं, पैकर सबसे पहले वो काम करते हैं। एंड आई एम श्योर इफ द कंटेंट इज़ गुड, वाई जस्ट अ पंजाबी, एनीबडी विल सी गुड कंटेंट, है ना। थैंक यू सो मच मैम अपना प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मिसेज सविता भट्टी, जिन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया शॉर्ट फिल्म्स को लेके कि कैसे एक इंस्पायरिंग मूवी लोगों को कहां से कहां तक लेके जा सकती है। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा परसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।